नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कई बार तंज में कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन लाड साहब भी विरासत में छोड़ गए। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर जिले में देखने को मिला था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में बवाल मच गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक फूड इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है राजेश विश्वास, वो गए थे पिकनिक मनाने के लिए और खैरकट्टा परलकोट जलाशय जो है डैम, वहाँ पर गलती से उनका सैमसंग का महंगा मोबाइल जो लगभग 1 लाख का था वो उसमें गिर गया। इंस्पेक्टर साहब ठहरे, उन्होंने तत्काल सिंचाई विभाग अन्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा और जलाशय से पानी निकालने के लिए 2 बड़े बड़े जो है पंप सेट लगा दिए गए जो 30-30 HP हॉर्स पावर के थे। 4 दिनों तक वो पंप चलते हैं। अंदाजा लगाइए, इस भीषण गर्मी में जहां लोगों को पानी मयस्सर नहीं है, वहां 4 दिन तक पानी चलता रहता है। वो किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पानी था और अल्टीमेटली उनका मोबाइल निकाल दिया जाता है। भारी खुश इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने अपनी इंस्पेक्टरी दिखाई, उसका जलवा दिखाया, प्रभाव दिखाया, पानी खाली करा करके मोबाइल बरामद कर लिया। अब इसके बाद ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाता है, तब जा करके वहाँ के जिला प्रशासन की नींद खुलती है। प्रियंका शुक्ला वहाँ के कलेक्टर है। 21 मई की ये घटना है, 26 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। इतना बवाल मचा कि अब इस पे ये मंथन होने लगा कि उन्होंने 41,104 क्यूबिक मीटर पानी यानी लगभग 21 लाख लीटर जो पानी बहाया है उस पे उसका रेवेन्यू कौन देगा, उसकी वसूली कैसे की जाए। निलंबन के बाद तत्काल सिंचाई विभाग ने ये एक्शन लिया कि लगभग 53,000 रुपये बनता है जो वहाँ का रेट है पानी का, उसके हिसाब से आप इसको जमा कराइए और यदि नहीं कराते हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। खास बात यह है कि राजेश विश्वास जो है ये बात कबूल भी कर चुके हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया। अब उन्हें तत्काल 53,000 रुपये जमा कराना है और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस मामले में जो संबंधित नियम कानून है उसके मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन में ये भी हो सकता है कि मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए, और जेल भी कोई मामूली जेल नहीं, 5 साल तक इन्हें सजा काटनी पड़ सकती है। तो ये अभी हुआ है एक्शन। अपने यहाँ है क्या कि प्रशासन जो है सोता रहता है। यदि सोशल मीडिया का ये दौर नहीं होता और सारी जानकारी सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुई होती, वो पंप सेट, वो पानी का निकाला जाना, इनकी लाटसा भी, तो कोई एक्शन नहीं होता। अब जाकर के ये एक्शन हो रहा है और उनके जेल जाने की नौबत है। लिया जाए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम जुर्माना भरेंगे, गलती हुई है। देखते हैं कि जेल जाते हैं या जुर्माना भर करके बच जाते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।